Okay, friends, in this video, we are going to discuss about important reactions like hydrogenation, the organometallic compound reaction, which is a catalyst to use of that. So let's discuss hydrogenation reactions. So hydrogenation is a chemical reaction between molecular hydrogen and another compound or element. यानी कि ये chemical reaction होती है किसके बीच में एक hydrogen और किसी organic compound के बीच में एक reaction होती है, right? Usually in the presence of a catalyst. और किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन होती है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? कैटलिस्ट हो सकता है निकल बेस्ड कैटलिस्ट हो सकता है, पैलेडियम बेस्ड कैटलिस्ट हो सकता है, और पीटी बेस्ड कैटलिस्ट हो सकता है, इरिडियम बेस्ड कैटलिस्ट हो सकता है, रोइडियम बेस्ड कैटलिस्ट हो सकते हैं. द प्रोसेस इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू रिड्यूस और सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये जो प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से किसके ऊपर एम्प्लॉय किया जाता है? किस सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर. मॉलिक्यूल भी हो सकता है और जनरली क्या होती है? एल्कीन्स होती है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, सो कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस टू बी यूजेबल. नॉन कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर. अगर अगर ये रिएक्शंस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो लो टेम्परेचर पर हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ये रिएक्शंस जो होती है वो लो टेम्परेचर पे हो जाती है. अगर कैटलिस्ट अपन यूज नहीं करता तो वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए. अगर इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट टेम्परेचर कितना चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए. सो पहला डिफरेंस तो हो गया कैटलिस्ट इस रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज करने का एक्ट किया है यूज करने का क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज ये रिएक्शंस वेरी लो टेम्परेचर पर हो सकते हैं, अदरवाइज वेरी हाई टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है. सो हाइड्रोजनेशन रिड्यूसेस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन हाइड्रोकार्बन. जो हाइड्रोकार्बन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसमें ये क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स को. ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करता है. डबल बॉन्ड्स को ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड को ये डबल या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है. इस कैटलिस्ट के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट के लिए? फर्स्ट वेरी नोन कंपाउंड और नोन कैटलिस्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट, ये विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है? ये RH यानी कि रोडियम के ऊपर बेस्ड होता है. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 3 लिगेंड अटैच्ड होता है और एक फोर्थ लिगेंड इज क्लोरो लिगेंड होता है. और ये क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्ट्रक्चर यू हैव टू रिमेंबर. देन सोर ऑस्बोन कैटलिस्ट, इसमें क्या? ये भी रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट होता है. इसका स्ट्रक्चर से नॉन बोरॉन लाइक स्ट्रक्चर है ये, मतलब लिगेंड अटैच होता है ऑक्टा डाई इन. ओके, सो रोडियम बेस होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के दो लिगेंड अटैच होते हैं एंड एक क्या अटैच होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि ऑक्टा डाई इन अटैच होती है. ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स टाइप होता है. एक होता है ये ट्राइफिनाइल ट्राइसाइक्लोहेक्साइन फॉस्फाइन, ये भी एक कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के लिए यूज किया जाता है, PCY3. अब PCY3 एक्चुअली ये कैटलिस्ट नहीं है, सॉरी ये एक लिगेंड है. लिगेंड मींस ये जैसे कार्ट्रीज कैटलिस्ट है, कार्ट्रीज कैटलिस्ट होता है. इसमें क्या होता है? इरिडियम बेस्ड कैटलिस्ट होता है जिसका एक लिगेंड क्या होता है? PCY3 होता है, दैट इज ट्राइसाइक्लोहेक्साइन फॉस्फाइन. ओके, एक पिरिडियम कैटलिस्ट होता है और एक डाई इन अटैच होती है, ये भी कैटायनिक कैटलिस्ट होता है, इसका प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, सेकंड इज मार्क्स कैटलिस्ट. एक और कैटलिस्ट कौन सा होता है? मार्क्स कैटलिस्ट. मार्क्स कैटलिस्ट क्या होता है? रोइडियम बेस्ड होता है, इसमें दो रोइडियम सेंटर होता है और दोनों रोइडियम सेंटर दो ब्रिज्ड हाइड्रोजन से अटैच होता है, राइट? और इसके चारों तरफ चार लिगेंड लगे होते हैं, वो पेंटाडाइन के लगे होते हैं, पेंटाडाइन के लिगेंड लगे होते हैं.
तो ये एक होता है मार्क्स कैटलिस्ट, एक होता है कार्पेलीज कैटलिस्ट, एक विल्किंसन कैटलिस्ट, एसरोक ओसबोर्न कैटलिस्ट। ये चार कैटलिस्ट जनरली यूज होते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में। सो नाउ लेट्स डिस्कस द कैटालिटिकल साइकिल ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, क्योंकि विल्किंसन कैटलिस्ट इज मोर पॉपुलर देन अदर्स, लेट्स वी हैव टू डिस्कस कैटालिटिकल साइकिल ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। सो विल्किंसन कैटलिस्ट दैट इज दैट्स IFPS नेम इज क्लोरोट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम वन या फर्स्ट कैटलिस्ट। इट इज मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट ऑल व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस। और ये रिएक्शंस, ये जो कैटलिस्ट होता है, ये प्रिपेयर किया जाता है with such kind of such reactions. RHCl3 rhodium trichloride दिया जाता है, जिसको इथेनॉल और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ रिएक्ट किया जाता है, जिससे रोडियम कैटलिस्ट फॉर्म होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट, एंड एज अ बाय प्रोडक्ट इथेनॉल HCl एंड H2O होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द कैटालिटिकल साइकिल ऑफ दिस विल्किंसन कैटलिस्ट। सो इनिशियली विल्किंसन कैटलिस्ट 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के तीन लिगेंड और एक क्लोरो लिगेंड रोडियम से अटैच रहते हैं। ओके, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है रोडियम की, एंड 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होता है। ये जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किया था कि देयर इज अ प्री कैटलिस्ट एंड देन इट टर्न्स इनटू कैटलिस्ट, राइट, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। तो ये प्री कैटलिस्ट हो गया। अब इसमें से क्या होगा, इनिशियल स्टेप में एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड का रिमूवल होगा, -PPH लिखा हुआ है, राइट। सो नाउ इट टर्न्स इनटू दो, इसके पास रह जाते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड एंड एक रह जाता है क्लोरो लिगेंड। ओके, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही रहती है, बिकॉज जो रिमूव हो रहा है वो न्यूट्रल लिगेंड है। एंड अब ये क्या है कि एक्टिव फॉर्म बन जाती है कैटलिस्ट की, राइट। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और now it turns into 14 electron species. 14 electron क्यों रह जाता है, because initially क्या 16 electron species होती है, इसमें से एक neutral ligand चला गया जो दो electron donate करता था, तो 16 minus 2 electron is equal to 14 electron, that's why it is now 14 electron species. So initially इसके ऊपर क्या होता है, addition होता है H2 का, that is oxidative addition. Oxidative addition में हमने को पता है कि oxidation number increase होते हैं, so जैसे ही H2 plus इसके ऊपर H2+ ने H2 हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर अटैच होती है, सो इट टर्न्स इनटू 5 coordinated system होके ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, सो दैट्स व्हाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 नंबर, राइट। सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ +3। हाइड्रोजन H दोनों एटॉमिक ऑक्सीजन एटॉमिक हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच हो जाती है, अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3 and it is now 16 electron species. अब इसके ऊपर addition होता है alkene का, okay? अब alkene का addition होता है, तो alkene क्या pi bond बना सकती है, क्योंकि इसके पास pi bond होते हैं, तो pi bond से pi bond donate, pi electron donate करती है किसके अंदर, जो rhodium है, metal ion के empty d orbitals के अंदर, so oxidation ना state तो +3 रहती है, but दो electron यहाँ से extra आ जाते हैं, that's why ये जो spin नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट स्टेट बनती है वो हो जाती है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके, सो इनिशियली 16 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एक्टिव फॉर्म में इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, देन ऑक्सीडेटिव एडिशन होने से इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन आते हैं, देन एल्कीन का एडिशन होने से इसके पास आ जाता है 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होता है, 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है। 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला जाता है इस CH के ऊपर, नाउ इट इज CH2, और RH जो होता है वो बॉन्ड बना लेता है CH2 से, राइट। सो RH बॉन्ड बना लिया CH2 से, एक H चला गया इस CH के पास, तो इट टर्न्स इनटू CH2 देन CH3, और एक ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर +3 और 16 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज बन जाती है, राइट। Now it undergoes reductive elimination. Reductive elimination में आपको पता है कि किसी का dissociation होता है और oxidation state जो होती है वो decrease होती है by 2 number, right? So इसमें से क्या होता है, alkene dissociate हो जाएगी यहाँ से। alkene कैसे dissociate होगी, ये H जो है, ये H again इस
के साथ मिलकर यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। यहाँ से डिसोसिएट होकर एक एल्केन बन जाती है। एल्केन बनने के बाद जो स्पीसीज बचती है वो इनिशियली आपका जो एक्टिव फॉर्म होती है कैटलिस्ट का, वही स्पीसीज बचती है। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये तो दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। नाउ यहाँ से डिसोसिएट होने के बाद वापस आपके पास क्या बचता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री से किस में टर्न हो जाती है, प्लस वन में, और ये वापस रीयूज हो जाता है। अगर रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट बचा हुआ है तो ये अगेन रीयूज होता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता रहता है। सो एट द एंड क्या उनका प्रोडक्ट बनता है, एल्केन इज फॉर्म। उसके बाद जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो जो इनिशियली पीपीएस से लिगेंड इससे डिसोसिएट हुआ था वो वापस आके इससे एसोसिएट हो जाता है और अगेन ये इसकी मेन प्री कैटलिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थ्री जो लिगेंड स्पीसीज है दैट इज अनस्टेबल, और इसको अपने में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसको एक लिगेंड की और जरूरत होती है, इट नीड्स वन मोर लिगेंड। सो इनिशियली जो रिमूव होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन का एक लिगेंड, वो इसके साथ एसोसिएट हो जाता है और ये बन जाता है वापस विल्किंसन कैटलिस्ट, जो इनिशियल स्टेज में अपने पास था एज अ प्री कैटलिस्ट। सो इनिशियल क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप वापस रिवाइज कर लेते हैं इसको। कैटालिटिक साइकिल आपको अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इन फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है पीपीएस थ्री का फर्स्ट में, जो एक्टिव फॉर्म बनाता है कैटलिस्ट की और उसकी ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन होती है। नाउ इट इज 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, एच टू का एडिशन होता है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनती है। ऑक्सीडेशन स्टेट रोडियम की क्या हो जाती है, प्लस थ्री हो जाती है, राइट। इन थर्ड स्टेप क्या हो, एडिशन ऑफ एन एल्कीन होता है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाता है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है रोडियम की। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, 1-3 माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, एच जो होता है वो एल्केन के साथ अटैच हो जाता है, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाती है प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट के साथ, ओके। उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 रह जाती है एंड रिमूवल हो जाता है एल्केन का। सो एल्केन इज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है। नाउ एट द एंड कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। सो ये आपको आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा विल्किंसन कैटलिस्ट की मैकेनिज्म क्या है। सो ये थी विल्किंसन कैटलिस्ट की मैकेनिज्म। इसमें से आपको कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।